बुरी तरह हारी बेंगलोर की टीम, 59 रनों से दिल्ली ने जीता आईपीएल 2020 का चौथा मैच। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा आईपीएल से बाहर, टीम ने दी जानकारी। ताजा तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। बुरी तरह हारी बेंगलोर की टीम, 59 रनों से दिल्ली ने जीता आईपीएल 2020 का चौथा मैच। आईपीएल 2020 का 19वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में खेला गया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलोर को बुरी तरह हराया। दिल्ली ने आरसीबी के खिलाफ 59 रनों से जीत दर्ज करके टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल में फिर से नंबर वन की जगह हासिल कर ली है। इस मैच में बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और मार्कोस स्टोइनिस की तूफानी निस्व सेंचुरी के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन बनाए। इस तरह बेंगलोर के सामने जीत के लिए 197 रन का टारगेट था, लेकिन विराट कोहली की बेंगलोर 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी और मुकाबला 59 रनों से हार गई। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा आईपीएल से बाहर, टीम ने दी जानकारी। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में पीर का दिन बहुत खराब रहा। पहले सनराइजर्स हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार और फिर दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा के टूर्नामेंट से बाहर होने की खबर आई है। उंगली में फ्रैक्चर होने की वजह से टीम के दिग्गज स्पिनर को सीजन के बाकी सभी मैचों से बाहर होना पड़ा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक दिल्ली के तजुर्बेकार लेग स्पिनर अमित मिश्रा की चोट काफ़ी संजीदा है। उनकी उंगली में फ्रैक्चर है जो टूर्नामेंट के दौरान ठीक नहीं हो सकता, इसी वजह से वो अब टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ा उलटफेर, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड हारे। इंग्लिश फुटबॉल की सबसे बड़ी टीमों ने प्रीमियर लीग में इस तरह के नतीजों के बारे में कभी सोचा नहीं होगा, जब एक दिन में लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड को टोटनहैम ने 6-1 से हराया, जबकि लिवरपूल को एस्टन विला ने 7-2 से मात दी। सेविला ने बार्सिलोना को ड्रॉ पर रोका, मैड्रिड ने लेवांटे को हराया। हस्पानवी लीग ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट में सेविला ने बार्सिलोना को 1-1 से ड्रॉ पर रोका, वहीं रियल मैड्रिड ने लेवांटे को 2-0 से हराकर पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर कब्जा कर लिया है। 16 नवंबर से खेले जाएंगे टेनिस मैच, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने किया ऐलान। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 16 नवंबर से डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट शुरू हो जाएगा। 8 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद ये खेल शुरू होगा। अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 16 के लिए भी टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा। हर एक टूर्नामेंट का वक्त 3 दिन तक होगा। इस दौरान सिर्फ 32 ड्रॉ की ही इजाज़त मिलेगी। महामारी की सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ी रियासत में ही रहेंगे और स्टेट एसोसिएशन की ओर से ही दूसरे रियासत में जाने की इजाज़त होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।